एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं स्टार्ट करी हूँ एक व्लॉग, एंड आज ट्यूसडे है एंड विद इन आई थिंक 4 डेज में करवा चौथ आ जाएगा। तो करवा चौथ बेसिकली मेरे घर में मैं रखती हूँ और मेरी मम्मी रखती है, बट मेरे इन लॉज के यहाँ पे करवा चौथ सेलिब्रेट नहीं होता है, उन लोगों के यहाँ तीज होती है। बट माय मदर इन लॉ ने मेरे को पहले ही बोल दिया था, मतलब जो मुझे मन करता है मैं वो रख सकती हूँ, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि यहाँ ये होता है तो मुझे वो रखना पड़ेगा। और इस बार भी मैंने वहीं जा करके मैं पूजा करने वाली हूँ, ताकि हम दोनों मिल करके कर लेंगे पूजा। एंड क्योंकि करवा चौथ आने वाला है और मम्मी कहीं पर भी बाहर नहीं जा पा रही है, मतलब लिटरली वो कहीं बाहर नहीं जाती हैं, उनको अभी थोड़ा सा पेन वेन होता है, कभी नी में पेन होता है, कभी बोन्स में पेन होता है, ये सारा इश्यूज अभी उनको छोटे छोटे आ रहे हैं। तो मैंने ये सोचा है कि उनको पैम्पर करने के लिए आई विल बुक अर्मन कंपनी का जो सैलॉन एट होम सर्विस होता है, वो मैंने सोचा है बुक करने का। आई हैव ऑलरेडी बुक्ड इट, आज आने वाला है 1 बजे का अपॉइंटमेंट। मैंने मम्मी को कल बता दिया था कि वो आने वाले हैं, तो थोड़ा फेशियल्स वगैरह, वैक्सिंग वगैरह, थोड़ा मसाज वगैरह हो जाएगा मैनिक्योर पेडिक्योर में, तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं उनके सर्विस। तो लास्ट ईयर तो मैं नहीं ले पाई थी, लास्ट ईयर मैंने कुछ नहीं लिया था, लेकिन उसके लास्ट ईयर आई हैव ऑलरेडी टेकन द सर्विसेज। एंड अभी लॉकडाउन में हेयर कटिंग वगैरह के लिए विक्की के लिए वही आते थे, अर्बन कंपनी वाले ही आते थे। जो मेरा ऊपर वाला घर है इन लॉस का, वहाँ पर पूरा जो है दिवाली क्लीनिंग हो चुकी है, तो जो अर्बन कंपनी सर्विसेज होती है ना, होम क्लीनिंग वाली लिया था, पूरा क्लीन हो गया है। मेरे घर में भी मैंने किचन क्लीन करवाया है और बाथरूम्स क्लीन करवाए, बाकी घर तो क्लीन ही था, मतलब बाकी तो मैं क्लीन कर चुकी थी, तो हमने किचन को क्लीन करवा दिया था। तो एक एक डब्बे निकाल करके, मतलब पोच करके, पूरा ऑर्गेनाइज करके जाते हैं वो लोग। आप कहीं बाहर रहते हैं, आपके पेरेंट्स मतलब एक अच्छी एज हो गई है उनकी, आप उस तरह की सर्विसेज के लिए जा सकते हैं, प्राइस वाइज भी बहुत सही है और बहुत आराम से सब कुछ क्लीनिंग हो जाती है। घर बैठे आपको एक दिन में आपका पूरा घर साफ हो जाता है, दिवाली की सफाई हो जाती है, बहुत बड़ा हेडेक होता है अदरवाइज वो। तो आज मैं वहीं जाने वाली हूँ और ऑल्सो करवा चाहता हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ, ये अभी तक आई एम वेरी कन्फ्यूज। वैसे मैंने एक ड्रेस खरीद लिया है करवा चौथ के लिए, मतलब मंगवा लिया है, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि उसको मैं टीनू की शादी में यूज़ करती हूँ, अभी नहीं यूज़ करती, मैं अभी कुछ पुराना वाला पहन लूँगी। मैं बस काफ़ी सारे साड़ीज़ वगैरह रखे हुए हैं जो मैंने अभी तक पहने नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ, तो लेट्स सी, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। सो दीज आर द सूट्स जिनको मुझे ऑल्ट्रेशन के लिए डालना है। एंड ऑल्सो सम ऑफ यू आस्क्ड मी इन कॉमेंट सेक्शंस कि जो मेरा ये घर का रिएक्शन है उसमें मेरे इन लॉज का क्या रिएक्शन रहा है, उसको रिकॉर्ड करिए, ये करिए। तो घर तो ऐसा, मतलब ऐसे सरप्राइज एलिमेंट नहीं था उनके लिए डेफिनेटली, बिकॉज काम हो रहा था तो नीचे आकर के वो देख ही लेते थे, दिखा देती थी मैं, और डेफिनेटली दे आर वेरी हैप्पी। मतलब अभी वो लोग कैमरे के सामने कंफर्टेबल होंगे कि नहीं होंगे, उस तरीके का जैसे होता है ना रिएक्शंस लेना, वो तो खैर वो रिएक्शन तो हो गया क्योंकि अब तो कितने लोगों ने देख लिया है, लेकिन हाँ वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और कोई भी मेरे जैसे इन लॉज की फैमिली की तरफ से या कोई भी आता है, रिलेटिव्स आते हैं या कोई भी एक्स वाई ज़ेड आते हैं, तो मेरे फादर इन लॉ बड़े प्राउडली ऐसे दिखाते हैं कि देखो देखो हमारी बहू ने सजाया है घर को, ऐसे बताते हैं। देन मेरे मदर इन लॉज ऑल, मतलब मेरे को तो, मैं और विकी तो बताते नहीं है जितना मेरे इन लॉज चीज़ें बताते हैं कि ये इसने हाथ से बनाया, ये इसने हाथ से बनाया, ये इसने किया है, ये इसने किया है, वो ऐसा किया। तो यस, डेफिनेटली दे आर वेरी हैप्पी। तो वो रिएक्शंस तो रिकॉर्ड नहीं हो सकते, एंड वो लोग इतना कंफर्टेबल है भी नहीं कैमरा के सामने आने में, कैमरा फ्रेंडली नहीं है, तो आई हैव नॉट कैप्चर्ड इन कैमरा, बट अदरवाइज दे आर प्रीटी हैप्पी। और अभी मैं ऊपर जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तो ऑल्सो आई गॉट सम क्वेश्चंस लाइक दिस, दैट हाउ यू आर मैनेजिंग यू नो किचन एंड एवरीथिंग। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं नीचे ही, मतलब एक नौ दुर्गा के बाद से आई विल स्टार्ट कुकिंग नीचे, बट देन आई थॉट कि यार 4 तो लोग हैं 5 तो लोग हैं ठीक है, और माय मदर इन लॉ इज़ नॉट दैट प्रॉब्लमेटिक। से जब से मैं 2 महीने से बना रही थी, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मेरे को ऊपर बहुत काम का बर्डन आ गया है, या ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं, या मेरे अकॉर्डिंग खाना नहीं बन रहा है या जो भी है, तो वैसा कुछ मुझे लगा नहीं, इसलिए फिर मैंने साथ में ही कंटिन्यू कर दिया है कि साथ में बनाते हैं। हाँ, ऐसी कुछ चीज़ होगी जो हम लोग को बनानी होगी, जैसे मैगी वैगी हम लोग खाते हैं, या कोई सब्ज़ी वगैरह कभी बनानी होगी तो मैं नीचे कभी बना लूँगी, क्योंकि गैस वैस सब ऑन है नीचे का, बट खाना हम लोग सब साथ में ऊपर ही बनता है सबका। उन लोगों की तरफ से कुछ मना नहीं था, उनने हमको पूरा फ्रीडम दे के रखा था कि इफ़ यू वॉन्ट वी कैन मेक अवर ओन फूड, क्योंकि मेरा जो हेल्पर आती है ना, वो शॉपिंग के लिए भी मैंने लगवाई थी, बट फिर मैंने ही मना कर दिया कि यार अभी ऊपर ही ठीक है, मिल के काम करने में प्रेशर कम आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अकेले काम करने में बर्डन ज़्यादा आता है। मेरा जो बेसिक काम होता है वो सब कर कुरा के मैं आ जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं मेरा काम करने के लिए बैठती हूँ और टीनू अपनी कॉल के लिए बैठती है, फिर मेरी मदर इन लॉ बाकी की चीज़ें मैनेज कर लेती हैं, शाम को फिर हम लोग करवा देते हैं, मतलब ऐसे हेल्प करवा देते हैं। तो फटाफट जाती हूँ ऊपर, फिर चलते हैं मम्मी के घर पे।
हे गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर घर पे और अभी वी आर वेटिंग फॉर अवर अर्बन कंपनी वाले जो प्रोफेशनल है उनका वेट कर रही हूँ मैं। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि सैलॉन एट होम सर्विस जो होती है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। मैं ऑलरेडी काफी सारी बार इनकी सर्विसेज ले चुकी हूँ, सो आई नो कि इतना एक्सपेंसिव बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होता है, पॉकेट फ्रेंडली होता है। उल्टा समटाइम्स आपको ये सर्विस ज्यादा चीप पड़ती है एज कम्पेयर टू जा करके आप सर्विसेज लेते हो उससे। ये रही मम्मी। मम्मी आप एक्साइटेड हो अपनी सर्विसेज लेने के लिए? मम्मी ने अपना चेन और इयर रिंग्स और नाक की जो लॉन्ग है वो सब कुछ निकाल दी है और ये बैठे पापा। तो मैंने 1 बजे के लिए बुकिंग किया था, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया व्लॉग में, तो वो शार्प 1 बजे आ गई थी एंड बहुत अच्छे से उन्होंने कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो किया जिससे हम लोगों को बहुत सेफ एंड सिक्योर फील हो रहा था। बहुत अच्छे से उन्होंने अपना सारा सामान एक जगह पे जमाया था, मतलब पूरा ऑर्गेनाइज किया था निकाल के। हमने शाइन एंड ग्लो फेशियल रखवाया था, तो इस तरीके से उन्होंने पूरा अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लिया था। और जो वेस्ट है वो भी, उसके लिए भी वो अलग से लेकर के आई हैं ये वेस्ट बैग ब्लैक कलर का, तो उसमें वो अपना सारा वेस्ट पैक डाल देंगी और इस बेड पे हम लोग करवाने वाले हैं। तो शी इज़ ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग वेरी नाइसली। उन्हें बेड के ऊपर भी एक अलग से बिछाया ताकि बेड गंदा ना हो, मतलब इवन बैठने की चीज़ एक एक चीज़ वो लोग खुद लेकर के आते हैं। तो आपको बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको बार बार उठ करके उनको कुछ देना है या सब कुछ वो अपना लेके आते हैं, आपको सिर्फ वहाँ पे चीज़ें करवानी होती है। तो अभी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है फेशियल प्रोसेस। नाउ दिस इज़ देयर रोल ऑन वैक्सीन। लुक एट दिस, मतलब दिस इज़ सो कूल एंड इनोवेटिव। ना कोई चिपचिप, ना कोई मेस, मतलब आराम से ईजिली बहुत फटाफट हो जाता है ये। नेक्स्ट स्टेप आता है मैनीक्योर एंड पेडीक्योर का। तो वैक्सिंग हो गया है, फेशियल हो गया है, अब आते हैं मैनीक्योर पेडीक्योर में। तो उन्होंने बहुत अच्छे से नेल पेंट रिमूव किया एंड बहुत रिलैक्सिंग मम्मी को मसाज दिया, मतलब शी रियली फेल्ट सो गुड। आप उनका फेस बिफोर एंड आफ्टर देखेंगे ना, मतलब जो स्टार्ट हुआ है व्लॉग में और अभी इसके बाद देखेंगे, यू विल सी द डिफरेंस बाय योर सेल्फ कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। सबसे बेस्ट पार्ट इस पूरे प्रोसेस का ये था कि हमको ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे घर में इतना तामझाम हुआ है। उन्होंने इतने अच्छे से सब कुछ क्लीन करके गए हैं, तो हमको ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि घर में ये सारी चीज़ें हुई हैं। उन्होंने खुद ही ने बहुत अच्छे से क्लीन एंड सॉर्टेड कर दिया था, घर एकदम वैसे ही हो गया था जैसे पहले था। एंड उसके बाद भी उन्होंने सैनिटाइज़ किया सारी चीज़ें, मतलब घर को भी सैनिटाइज़ किया और उनके सारे प्रोडक्ट्स को सैनिटाइज़ किया। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द प्रोसेस। मम्मी का फेस, मम्मी आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा।
पहली बार लाइफ में इतना ग्लो आया है, शाइन कर रहा है इतना फेस। अदरवाइज हम लोग पहले फेशियल्स कराते थे तो वो बोलते थे कि दो दिन बाद आएगा ग्लो, लेकिन आज तो करते से ही ग्लो आ गया, वही शाइन कर रहा है। और ये मस्त मैनिक्योर पेडिक्योर भी करवाया बहुत अच्छे से उन्होंने, नेल पेंट वेल पेंट लगा के गए, तो ये सब कुछ वैक्सीन वगैरह सब कुछ हो गया एकदम प्रॉपर। इनका जो रोल ऑन वैक्सीन था ना वो बहुत ही ज़्यादा कूल एंड इनोवेटिव था, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और मैंने फर्स्ट टाइम भी देखा, ना कोई चिपचिप, ना कोई वो गरम गरम स्पैचुला लगाना, कुछ भी नहीं हुआ और बहुत फटाक से हो गया, मतलब मम्मी को पता भी नहीं चला इतना पेनलेस था वो, है ना। वही मम्मी आपको वैक्सीन में बिल्कुल पेन हुआ? बिल्कुल नहीं, अमेजिंग था वो ना, नया था और बहुत अच्छा था। और करवाया हाँ, और सेम प्राइस, मतलब जो आपका हनी वैक्स होता है ना ऑलमोस्ट उसी के जैसा अफोर्डेबल है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत टॉप प्राइस हो। एट लास्ट आई वुड से कि जो अर्बन कंपनी का सैलॉन एट होम सर्विसेज है ये बेस्ट वे है फेस्टिव के लिए, गेट रेडी होने के लिए घर पर ही, बाहर जाने का स्ट्रेस ना, ट्रैफिक में फंसने का कोई स्ट्रेस, और सारा काम भी इतने अच्छे से हो जाता है, यहाँ तक कि वो क्लीन भी खुद करके जाते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब एकदम टेंशन फ्री होकर के घूम सकते हो। बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है फॉर मल्टी टास्किंग वेमेन लाइक मी और माई मदर और एनी ऑफ यू, मतलब आप घर पे बिल्कुल ट्राई कर सकते हो उसको, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो मैं भी फटाक से कल की सर्विस अपनी बुक करने वाली हूँ, क्योंकि आज तो मम्मी का ही पूरा दिन हो गया है, तो मैं अपने लिए कल सर्विस बुक करूँगी और देखते हैं कि अब और क्या क्या करवा चौथ के लिए। अभी मैं जाने वाली हूँ न्यू मार्केट फॉर माई जो ऑल्ट्रेशन वगैरह करवाना है, तो जिन भैया से मैं करवाती हूँ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, एंड मुझे वो इतने ज़्यादा पसंद आई जो उन्होंने सर्विस दे करके गई, तो मैं हमेशा उनसे सर्विस लेंगी। और मम्मी सबसे ज़्यादा मम्मी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब जब भी करवाना है इन्हीं से करवाना है। मम्मी आपका सच में फेस ग्लो कर रहा है, मम्मी का फोरहेड देखिए गाइस, फोरहेड देखिए, टच वुड, हाँ ग्लो अच्छा कर रहा है। मतलब हम लोग देखते से ही बोले है ना, ऐसा पहली बार हुआ है कि देखते से नहीं, तो मम्मी पूछती है कुछ लग रहा है, दो दिन तो पता ही नहीं चलता, और चार दिन बाद फिर शक्ल वैसी। अब तीनों की शादी के टाइम पे मैं अपनी मदर इन लॉ को फोर्स करूंगी ये करवाने के लिए, मम्मी का एक और बार करवा देंगे और हुआ तो टीनू और हम लोग भी करवा लेंगे। हे गाइस, सो आज है नेक्स्ट डे और मेरे पास कुछ सूट्स आए हुए हैं। आई थिंक आपने दो तीन बार, दो साल से आपने नाम सुना होगा मेरे चैनल पे दिवाली के टाइम पे अमारा फैशन हब का, तो वो मुझे कुछ ना कुछ जब भी फेस्टिव टाइम आता है तो भेजती ज़रूर है, उसने मुझे इस बार भी कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं। सो एक्चुअली ये बहुत दिन पहले गए थे, मतलब मेरे पास आई थिंक नवरात्रि, तो मैं काफ़ी लेट बोल रही हूँ, नवरात्रि के भी काफ़ी पहले, मतलब वन मंथ ऑलमोस्ट हो चुका है उस इन सूट्स को आए हुए, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इनको पहन के ट्राई कर सकूँ या दिखा सकूँ आप लोगों को, तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड ऑल्सो आई चेंज माई बेडशीट टूडे, सो आई चेंज दिस बेडशीट, अभी थोड़ी मैसी हो रही है क्योंकि मैं यहाँ पर लेटी हुई थी, तो ये वाली बेडशीट है एंड नाउ यू कैन सी कि अभी ये कितना न्यूट्रल एंड सटल सा लग रहा है। सिर्फ वो जो येलो बेडशीट थी ना उसकी वजह से मेरे रूम में काफ़ी ज़्यादा कलर एक है ना पूरा पॉप हुआ था बहुत शानदार सा। बाकी अभी ये वाइट बेस वाली बेडशीट्स बिछाती हूँ मैं, ये काफ़ी सटल लुक देती है, मतलब ऐसा एकदम बहुत कलर्स नहीं दिखता है। सो ये बेडशीट आई है और ये कुछ ड्रेसेस हैं, तो अब मैं एक एक करके आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। सो दिस इज़ देयर फर्स्ट सूट, ये कॉटन फैब्रिक में था इसका जो कुर्ता है वो, एंड नीचे बॉटम आई गेस रियॉन का है, सो ऑरेंज कलर में है एंड प्रिंटेड इसका कुर्ता है, काफ़ी प्यारा सा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, फिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी आई है, मतलब वो मुझसे ऑनलाइन फिटिंग ले चुकी है एक बार एंड उसके अकॉर्डिंग वो मुझे भेजती है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल एंड मज़ा आ गया इसको पहनने के बाद, एकदम पंजाबी वाली वाइब्स आ रही थी मेरे को। उसके बाद जो नेक्स्ट सूट है वो ये ब्यूटीफुल सा पार्टी वेयर रेड सूट, तो जैसे अभी करवा चौथ दिवाली आ रही है, पार्टी सीजन सीजन है, आप उसमें इसको कैरी कर सकते हैं आराम से, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसका जो बॉटम है ये गरारा शरारा पैटर्न में है एंड इसका दुपट्टा देखिए, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, आपको नेक में कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं है। इसके साथ स्लीव्स भी आई हैं, तो इफ़ यू वांट टू अटैच स्लीव्स आप वो भी कर सकते हैं। ये है थर्ड सूट, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक है और बहुत अच्छे साइज में भी मुझे आया, फिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अमेजिंग थी। तो तीनों सूट मुझे बहुत पसंद आया, बट सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ये वाला सूट आया है एंड दूसरा मुझे ये, मतलब ये वाला सूट आया है जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है। उसके बाद ये कॉटन तो मेरा फेवरेट है ही है एंड फेस्टिव के हिसाब से, मतलब फेस्टिव वेयर के हिसाब से आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। जैसे अभी सब फेस्टिव आ रहा है शादी वादी में पहनने के लिए, दिस रेड वन इज़ परफेक्ट, ये थोड़ा पार्टी वेयर स्टाइल में है। ऑल्सो जो सैलॉन एट होम मैं अपने लिए करवाने वाली थी फ्रॉम अर्बन कंपनी, वो मैं आज बुला नहीं पाई बिकॉज मैं सुबह से बिजी थी, तो मैं कल अपना मेहंदी एंड ऑल दैट वो जो पैम्परिंग सेशन है वो मैं अपना कल करूँगी। सो yes, that's it for my video. I hope you really like this video. If you do so, then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. See you in my next video. Till then, bye.